वेलकम टू माई चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज सेक्शन 80 से 87 करेंगे BNS के। तो अब तक हमने 1 से लेके 86 तक कर दिए हैं और हमारा चैप्टर 5th चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80 से। डोरी डेथ सेक्शन 80 में लिया है। क्या कहता है देखो, फर्स्ट में कहता है वेयर द डेथ ऑफ अ वूमेन इज कॉज्ड बाय एनी, दो चीज़ें ली हैं, या तो बर्न हो जाए या बॉडीली इंजरी, उससे हो जाए क्या डेथ, ठीक है, यानी कि डेथ होनी वहाँ पे ज़रूरी है, और नॉर्मल सर्कमस्टेंस में ना हो के दूसरे सर्कमस्टेंसेस में हो जाए। दूसरी चीज़ है कि 7 ईयर्स के अंदर हो, और ये दिखाया गया है। तीसरी चीज़ है कि सून बिफोर हर डेथ, बिल्कुल डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी या हरासमेंट होता था हस्बैंड के द्वारा या उसका कोई रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डोरी डेथ हो जाएगा। और किस लिए हरासमेंट होता था, डोरी के लिए, डोरी डेथ है तो दोस्त तो वर्ड इसी से आगे, डोरी की डिमांड थी और डेथ हो जाना, और सून बिफोर हर डेथ उसकी एक क्रुएलिटी और हरासमेंट था, तो उसको माना जाएगा शैल बी डीम टू हैव कॉज्ड, उन्होंने की है ये माना जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, डोरी शैल हैव द सेम मीनिंग जो सेक्शन 2 डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में है। उसके बाद है सेकेंड, हु एवर कमिट्स डोरी उसको 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट की सज़ा मिल सकती है। 304 IPC में इसको पहले बताया गया था, ठीक है। तो सज़ा थोड़ी ध्यान रखना आप, क्योंकि चेंज की हैं तो ये पूछी जा सकती हैं प्रीलिम वगैरह में, 7 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट। तो इसमें कॉग्निजेबल होगा और बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल होगा। उसके बाद है सेक्शन 81, कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, एवरी मैन हु बाय डिसीट, यानी कि धोखे से वो एक औरत को विश्वास दिलवाता है कि जो लॉफुली मैरिड नहीं है लेकिन उसको विश्वास दिला रहा है कि शी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम, और फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स और रह रहा है, वो उस बिलीफ में वो ऐसा काम कर रही है, तो फिर 10 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। विश्वास उसको दिलवा रहा है कि जो तुम हो मुझसे लॉफुली मैरिड हो। सेक्शन 82 में है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। इसमें देखो क्या है, 7 साल से 10 साल की पहले मैं सज़ा बता देती हूँ इसमें होती है किन किन सर्कमस्टेंसेज में। देखो सेक्शन 82, हु एवर हैविंग, अब किसी का हस्बैंड या वाइफ जीवित है और वो कर लेता है किसी दूसरे से शादी, तो वहाँ पे 7 साल तक की सज़ा हो जाती है। हु एवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लीविंग, ठीक है, लीविंग मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉयड, ठीक है, तो वो क्या होगी, दूसरी मैरिज वॉइड हो जाएगी, ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड वाइफ, सच शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। उसके बाद एक्सेप्शन क्या कहती है, ये सब सेक्शन तब नहीं लगेगा, मान लो कंटिन्यूसली 7 साल से वो हस्बैंड या वाइफ था वो उस रिलेशनशिप में एबसेंट है ही नहीं, उनका वेयर नोन ही नहीं पता, या फिर पहली वाली जो शादी थी वो वॉइड, कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है उसने डिक्लेयर कर रखी है भाई ये वॉइड थी, तब आप दूसरी शादी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पहली शादी मान्य ही नहीं है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगी एक्सेप्शन में। और 10 साल की सज़ा कब होती है, जो फर्स्ट सबसेक्शन में ऑफेंस कमिट कर रहा है, और कई बार क्या होता है पहली दूसरी वाली को दूसरे वाले हस्बैंड या वाइफ को पता होता है कि हाँ भाई इसने इसकी पहले भी है, और अगर छुपा के कर रहा है, कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन विद हुम द सब्सिक्वेंट मैरिज इज हेल्ड, तो छुपा के कर रहा है ना, वहाँ पे 3 साल और बढ़ जाएगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक है, वही है नॉन कॉग्निजेबल लेकिन बेलेबल होगा, ओके। और कंपाउंडेबल भी है ये बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन सो मैरिंग। फिर है सेक्शन 83, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रो विदाउट लॉफुल मैरिज। सेक्शन 83 देखो क्या कह रहा है कि जो सेरेमनी हुई है ना वो गलत है, उसमें आप अगर शादी कर रहे हो और आपको पता है कि वो
सही नहीं है, आप इनको करके लॉफुली मैरिड नहीं होते हो, तो 7 साल तक की सज़ा हो जाती है। उसके बाद है सेक्शन 84, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट मैरिड वुमेन। कोई भी, अब दो वर्ड आए हैं, टेक्स और एंटाइसिस। अब हो सकता है वो उसको लेके जाए या एंटाइसिस कोई प्रलोभन दे किसी भी चीज़ का उस वुमेन को जो मैरिड है, जिसको पता है वो किसी दूसरे की बीवी है और उसको लेके जाता है किस पर्पज़ से, शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के साथ, कंसील करता है या डिटेन करता है इस लेडी को, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। क्योंकि हो सकता है वो खुद भी उसके साथ जाए, टेकिंग ना हो वहाँ पे, एंटाइसिंग, इसीलिए दोनों अलग अलग लिख दिए हैं कि वो उसे कुछ झांसा दे कि तू तो खुश नहीं है, ये नहीं है अपने प्रेजेंट हस्बैंड के साथ और अब तू साथ चल, वहाँ पे ये होगा वो होगा, नौकरी दिलवा देंगे, मतलब कुछ भी प्रलोभन उसको दे सकता है। तो हुएवर टेक्स और एंटाइसिस अवे एनी वुमेन हु इज़, और उसको पता है कि भाई ये मैरिड है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साल की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 85 और 86 इकट्ठे पढ़ना है। सेक्शन 85 में कहता है कोई भी जो हस्बैंड है या रिलेटिव है क्रुएलिटी कर रहा है लेडी के साथ, तो 3 साल तक की सज़ा मिल जाती है। 498 हम पढ़ते थे कितना, तो 85 में आ गया है वो, ठीक है, 3 ईयर्स की सज़ा मिल जाती है। 86 क्यों इसके साथ रिलेट किया मैंने, क्योंकि क्रुएलिटी को डिफाइंड किया है प्रॉपर 86 में। 85 के पर्पज़ के लिए जो क्रुएलिटी है उसको 86 में ले लिया। ए, कोई कंडक्ट, खुद का कोई इच्छा से किया गया ऐसा कंडक्ट जो उसको मजबूर करता है कि वो सुसाइड कर ले, या फिर कोई उसको इंजुरी या उसकी लाइफ को डेंजर है, ठीक है, लिम्ब और हेल्थ को, मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है वुमेन की, या फिर हरासमेंट करते हैं उस वुमेन को और वो इस तरह से है कि उनकी कोई अनलॉफुल डिमांड है, ठीक है, अनलॉफुल डिमांड है फॉर एनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रुएलिटी को डिफाइन किया, मतलब इन चीज़ों के लिए उसे हरास करना, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 87। सेक्शन 87 देखो क्या कहता है। अब ये सेक्शन था आपके किडनैपिंग वाले पार्ट में, इसमें था कि किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एटसेट्रा। सेक्शन 366 को यूं का यूं ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा कोड कर दिया है, सबको इकट्ठा कर दिया है, ये अलग अलग होते थे सेक्शन, अब इनको इकट्ठा कर दिया है। हालांकि ये दिक्कत आएगी थोड़ा सा याद करने में, लेकिन हम बार बार जब इनको करेंगे रिवाइज तो ये याद भी हो जाएंगे। तो सेक्शन 87 देखो क्या कह रहा है, कोई भी किडनैप करता है या एबडक्शन होती है वुमेन की इस इंटेंट से, या तो उसके साथ शादी हो या उसे फोर्स किया जाए इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, और पता होते हुए और नोइंगली दैट शी विल बी कि उसे किया जाएगा ऐसा, मतलब उसे कुछ दिन रखना और उस कुछ दिन आपने उसे रखा और फिर उसके बाद शी विल बी फोर्स्ड और सेड्यूस्ड टू दिस, तो वहाँ पे क्या होगी, 10 साल तक की सज़ा हो जाती है और फाइन भी देना पड़ेगा। एंड हु एवर बाई मीन्स ऑफ क्रिमिनल, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे धमकी के साथ या कोई कंपल्शन में या इंड्यूस करके किसी लेडी को, आप अथॉरिटी में हैं और आपने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है और आप इसको कंपल्शन मतलब उसको उस पर दबाव डाल रहे हैं लेडी पे और उसको इधर से उधर लेके जा रहे हैं, किस लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, वो भी यहाँ पे सज़ा के काबिल होंगे इस संहिता में, ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन एज डिफाइंड जो इस संहिता में की गई है, धमकी वगैरह देना, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, वो 87 में ही 10 साल तक की सज़ा का हकदार होगा। तो सेक्शन 366 IPC का पहले था वो ले लिया, कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन अवेलेबल होगा, ठीक है, और 10 साल की है तो कोर्ट ऑफ सेशन का हो जाएगा। तो ये सेक्शन 87 है और आपके रिलेटेड टू मैरिज सारे ऑफेंसेस यहाँ तक कवर हो जाते हैं। तो अब तक हमने 187 कवर कर लिए हैं BNS के। तो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।